अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, अंदरून लाहौर में। और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सुबह है और हम नाश्ता करने के लिए, लस्सी पीने के लिए आए हैं जेदे की लस्सी पे। और जेदे की लस्सी यहाँ से अंदर जाके है, बीच में से हम रास्ता पूछते पूछते आए हैं। और वो लस्सी जो है ना, वो सुबह सुबह शुरू होती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे हैं, अल्लाह करे कि हमें मिल जाए। और उस लस्सी को ट्राई करने के बाद हम जाएंगे ज़रा चने ट्राई करने। यहाँ पे मशहूर चने हैं, मोटे के चने, तो वो चने वने ट्राई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ अंदरून में क्या हो रहा है और आपको भी दिखाएंगे। तो फिर चलें। वही अंदरून की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फैसिनेटिंग माहौल होता है अंदरून शहर में। जब भी यहाँ पे आओ, कुछ ना कुछ आपको तारीखी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जेदे की लस्सी की तरफ हम रवा दवा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ये जेदे की लस्सी किधर है भैया? क्या गुमटी बाजार किसे को पूछ लेना, गुमटी बाजारों मिलेगी। अगर जाकर उल्टे हाथ गली जो चले जाना, गली से अगले, हाँ जी मिल जाएगी। 9 बजे तक मिलती है लस्सी। नौ बजे बाबा जी, जेदे की लस्सी किधर है? जेदे की लस्सी जनाब पानी तलाट और सीधा बाजार जाता जी, लगे जो जिन्हों में पूछा कि दर्शन। कैसे क्या बना रही है? हाँ भाई, सुबह सुबह जो है वो मछली तैयार हो रही है और दोपहर तक चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? नाश्ता हो रहा है? न्यारी? अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जेदे की लस्सी किधर है? यहाँ पे हो रहा है भाई नाश्ता, माशाल्लाह नान और न्यारी का नाश्ता चल रहा है। ये आपको पता है जेदे की लस्सी का? हाँ जी, आपको आपके यहाँ से उल्टे हाथ में? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग चेक करें आप, कितनी पुरानी बिल्डिंग है यार। यहाँ पे अंगूर मिलने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हुक्का आपका रखा हुआ है? ये जबरदस्त जबरदस्त। जेदा की लस्सी किधर है भाई? यार जिससे जिससे ही पूछ रहे हैं ना कि जेदे की लस्सी किधर है, वो कह रहे हैं आगे 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 आगे, और काफ़ी आगे हम आ गए। देखते हैं कितना आगे। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। कैसे हैं भाई? क्या नाश्ता किस चीज़ का है? लस्सी है भाई। लस्सी है? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। और यहाँ पे क्या नाश्ता है? चने हैं, मुर्ग चने हैं, देसी मुर्ग चोरो है। वाह वाह वाह। और जेदे की लस्सी कहाँ है? आगे है, आगे। चलो भाई, जेदे की लस्सी आगे। यहाँ पे भी एक और लस्सी मिल रही है। सुबह का माहौल बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते वाश्ते चल रहे हैं। यहाँ पे पूरियाँ मिल रही हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैयान? ये ज़बरदस्त, ये देखें आप, पूरी चेक करें आप, फूली भी पूरी यहाँ पे रखी है, चने हैं। और ये क्या, गुलगुले? मीठे पूड़े। मीठे पूड़े हमारे यहाँ जो है ना, इसको गुलगुले भी कहते हैं, गुलगुले। और हलवा भी साथ में यहाँ मौजूद है। जिससे भी पूछ रहा है कि भाई जेदे की लस्सी कहाँ है, वो कह रहा है आगे जाए आगे जाए, आगे आगे जाए, चले आगे जाए। वो रश लगा हुआ मुझे लग रहा है।
अच्छा भाई, जिस जिससे भी हम पूछते जा रहे थे कि जेदे की लस्सी कहाँ है, कह रहे थे आगे जाएं आगे जाएं आगे जाएं, और बिलाखिर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और सुबह का टाइम है अभी, और रश जो है ना वो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा होता है। अगर आप और अर्ली मॉर्निंग आए, 7 बजे आएँ, तो और ज़्यादा रश यहाँ पर होता है। ये आ गया भाई टोकन, ये हमको मिल गया है टोकन, 100 रुपये की लस्सी है, और ज़बरदस्त किस्म का रश यहाँ पे चल रहा है। अम्मा जी ने जी लेना है तो मैं भाई कैसे हैं माशाल्लाह, ये हम कराची से आए स्पेशली जेदे के लस्सी का। अच्छा, तो शुक्र है कि हमें मिल गई, हम समझ रहे थे कि मिलेगी नहीं। नूमी भाई थोड़ा सा बताइएगा कि जेदे की लस्सी कितना अच्छा हो गया इसको। ये 1977 से शुरू हुई। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी। खाली ये 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए सुबह में ही होती है, इसकी क्या वजह है? आप चाहें तो भाई पूरा दिन चलती रहे, दोपहर तक चलती रहे। अच्छा। नहीं तो दूध कहाँ से लाएंगे? अच्छा, भैंस से हैं, मशीनें तो नहीं। दूध कहाँ, दूध तो बहुत मिलता है, केमिकल के बगैर नहीं मिलता। हमारी जो टीम है सारी दुकान पे, वो सब अच्छी है। हमारे जो पीछे से दूध लेकर आते हैं वो भी सब अच्छे हैं। पहले इसके अंदर जो है ना वो मक्स के अंदर सबके अंदर मलाई रखी हुई है भाई, और मलाई आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी मलाई है। ये जो असल चीज़ है ना वो ये यही है, पहली बार पाए शायद यहाँ पे। हाँ यहाँ पे पहली बार। तो नोमी भाई, ये जो लस्सी है वो आप किस तरह ट्रेडिशनल से फेंटते हैं? जो ये जो रखा हुआ है इसी के अंदर करते हैं या मशीन से बनाते हैं? नहीं नहीं, इसी से करते हैं, देसी काम, देसी से। हाँ, वो जायका उसी से आता है, जायका उसी से आता है। मशीन में वो बात नहीं आती? नहीं, मशीन में वो जायका ही नहीं है। और वो मैंने देखा था पहले कि रिकॉर्ड था भाई। हाँ जी, वो हाजी साहब वो काम से गए आज। अच्छा, हाजी साहब? हाँ, वाले साहब हैं। अच्छा, आपके वाले साहब हैं। अच्छा, वो उन्हीं का नाम जेदा है? जी, उन्हीं का नाम जेदा है। हाजी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? हाजी साहब आ गए भाई। भाई दूध ले आए हो? डोर बड़ा भाजी होना और ये दूध का कलर है ना नौमी भाई, दूध का कलर भी मुझको ये डिफरेंट लग रहा है, ये इसलिए कि ये सारा खाली दूध हल्का सा पीला पीलाहट होती है उसके अंदर। नहीं सफेद भी होता है, मगर ये अल्लाह तआला की मेहरबानी, ताकत है इसमें। ओके भाई, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा सा मग है। इसके अंदर पहले इन्होंने मलाई डाली हुई थी, और मलाई के बाद जो लस्सी है वो ये ट्रेडिशनल तरीके से ही लस्सी को बनाते हैं, और बहुत ही गाढ़ी थिक लस्सी लग रही है। ठीक है, देखते हैं कि इतना रश किस वजह से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह 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 वाह, इतनी गाढ़ी लस्सी जो है ना वो मैंने पहले नहीं पी है भाई। 800 रुपये जो मलाई की लेर है उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना खालिश दही है और कितना खालिश दूध है। मलाई ऐसी है कि मुझको उसको जो है ना वो च्यू करना पड़ रहा है, उसको खाना पड़ रहा है, इतनी थिक मलाई की लेर है। और लस्सी ऐसी हैवी माशाल्लाह है कि अगर आप ये लस्सी जो नाश्ते में पी लें तो फिर आपको शाम तक मेरा ख्याल है कि कुछ और खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी लस्सी मैंने पहले नहीं पी। अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है माशाल्लाह आपकी लस्सी में, ऐसी क्या बात है, रश होता है। अल्लाह ताला मेहरबानी, साहब पिलाना चाहिए।
सोने रब की रहमत सारा कुछ हो रहा है। असर साफ सौदा हो सारा निजाम जो इसे से जा रहे हैं हजूर पाक के सदके हजूर पाक के सदके जेदे की लस्सी तो हमने पी ली माशाल्लाह। जेदे साहब खुद भी बैठे हुए हैं हाजी साहब, और एक ही बात इन्होंने बोली सारी बातों के जवाब में कि भाई इस सारे रौनक की जो जो क्रेडिट है वो एक ही चीज़ है कि ये सोने रब दी रहमत है। तो सोने रब दी रहमत तो है माशाल्लाह, और हमें भी बहुत पसंद आई लस्सी। अब यहाँ से आगे चलते हैं ज़रा मोटे के चने खाने के लिए और देखते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। क्या हाल है भाई जान, खैरियत से हैं? क्या नाश्ता बन रहा है? ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, दो दूध पत्ती दे दे यार, ज़बरदस्त करी मिली। ठीक है, थैंक यू भाई, शुक्रिया। तो पंजाब की जो है ना वो एक बात ये अच्छी लगती है मुझको कि यहाँ पे उमूमी तौर पे यूजुअली दूध जो है ना वो ख़ास तौर पर अंदरून लाहौर में वो खालिस दूध वगैरह होता है, और चाय की शक्ल बता रही है कि चाय बहुत शानदार होगी। वाह भाई, क्योंकि हम जो है ना वो हैं असल में कराची वाले हैं, तो लस्सी तो हमने पी ली है नाश्ते में, लेकिन जब तक नाश्ते में चाय ना हो उस वक्त तक लगता नहीं है कि आपने नाश्ता किया है। तो चाय तो हो गई, अब समझे एक तरह का ब्रंच हो जाएगा हमारा मोटे के चने पे। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अबू बकर। मोटे के चने का है? मोटे के चने जी आगे राइट हो गए, बहुत मशहूर है। हाँ जी, अच्छे होते हैं? हाँ जी अच्छे। तुम्हें पसंद है? हाँ जी। अरे वाह वालेकुम, क्या बना रहे हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त चिकन नज़र आ रही है, क्या सीन है ये? ये बिरयानी बना रहे हैं भाई। बिरयानी किसी के स्पेशल ऑर्डर है क्या? अच्छा 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 भाई, यहाँ पे बड़े ये मसाले वसाले रखे हुए हैं रास्ते में, मोटे चने के रास्ते के अंदर। और ये आपने पहले फ्राई करी है चिकन? फ्राई किया मैंने। अच्छा, फ्राई करके बनाएंगे बेहतरीन करके। अच्छा, तो ये कोई ख़ास बिरयानी है क्या? कौन सी? ये सादी बिरयानी बनेगी, कौरमे वाली। सादी बिरयानी कौरमे वाली, चिकन वाली, चिकन की। ये आप चेक करें भाई, खुशबू से लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इस तरह से चिकन को पहले फ्राई किया जाए और उसके बाद उसकी बिरयानी बनाई जाए। यकीनन ये कोई नई टाइप की बिरयानी होगी यकीनन। अभी हमें आगे निकलना है ज़रा मोटे से चने की तरफ, वरना ज़रूर इसको टेस्ट करते हैं। हाँ भाई, तो अब हम पहुँच चुके हैं बिलाखिर मोटे के उस्ताद मोटा जी मुर्ग चने वाले के ऊपर, और यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रश लगा हुआ है। एक बहुत बड़ी सी देगनुमा देगचा रखा हुआ है जिसके अंदर चने हैं, अंडे हैं, मुर्ग है, और माशाल्लाह बहुत ही स्पीड के अंदर जो है वो नाश्ता और ब्रंच जो है वो चल रहा है। चने ना पाइप पकाते हैं भाई, चनों में काली मिर्चें डालते हैं, सफेद जीरा डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, दाल चीनी लौंग डालते हैं, सुबह 6 बजे से ले गए 12-1 बजे तक। और कुछ पूछना आपने? हाँ बताइए। और नहीं इससे पूछिए, आप भी इस्ताद हैं, चार का घी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वाले मियाँ वाले के चने इस्तेमाल करते हैं। अच्छे तो अच्छा, कितने साल हो गए दुकान को? 30-35 साल हो गए। ये जो उस्ताद बोटा जी है, ये कौन आपके? मेरे उस्ताद हैं। आपके उस्ताद हैं? वो कहाँ होते हैं अभी? वो भी काम के। अंडा आ गया भाई, जा रही ये बताइए हमारी स्पेशल है।
हमारे जो है ना गुड़ है और अंडा है और चने हैं, इस्तेमाल करते हैं इस हल्के फुल्के नान के साथ और मज़ेदार बहुत ही रिच टेस्ट है भाई। चने हैं वो इतना ही नरम बनाए हैं, रोनी टेस्ट आ रहा है, काफ़ी रिच सा एक टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा जैसे पायों का एक रिच टेस्ट होता है उस तरह इस चने का एक मज़ेदार सा रोनी सा रिच सा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही आ रहा है। वालेकुम भाई, भाई हमने अभी खाए नान चने माशाल्लाह, और जो नान है ना बहुत ही आला है, तिल वाले नान और हल्के फुल्के हैं भाई, ये नहीं कि भारी हो जाए, और खाते में ऐसे ये बिल्कुल कागजी मज़ा आया खा के, शुक्रिया बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन के प्यारे भाई, बहुत ओके भाई। तो इन मज़ेदार से मुर्ग चनों और अंडे चने के साथ और जेदे की ज़बरदस्ती मोटी मलाई वाली लस्सी के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का अख्ताम हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लाहौर का नाश्ता पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो बोल दो, अल्लाह हाफिज़ तुम भी बोल दो।